फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल गरिमा रेसिपीज को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा और गरिमा रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से हम अपने डिशवॉशर को प्रॉपरली लोड करते हैं एंड किस तरीके से उसका मैकेनिज्म वर्क करता है और कैसे बर्तन डिशवॉशर में जो है धोए जाते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे फेसबुक ग्रुप पर। मेरे फेसबुक ग्रुप का लिंक ये रहा। So without wasting any time, let's get started. तो चलिए अब मैं सारी गंदी डिशेज को लोड कर देती हूँ एंड अब देखते हैं कि हम किस तरीके से लोड करते हैं इसमें। हम सबसे पहले नीचे वाली रैक से शुरू करेंगे लोड करना एंड मैं फटाफट से लोड करके आपको बताती हूँ कि किस तरीके से अरेंज करते हैं। ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से प्लेट्स अरेंज की हैं। वॉशर के अंदर जब भी आप अपनी चीजें लगाएं तो ये नोटिस करें कि जो भी डिशेस के अंदर गंदा खाना या जो भी बचा होता है आप उसको निकाल दें, तभी उसके बाद में आप डिशवॉशर में अपनी जो यूटेंसिल्स हैं, प्लेट्स हैं, वो लोड करें। क्योंकि अगर आप उसको नहीं निकालेंगे तो आपके जो फिल्टर है उसमें जाकर ब्लॉक हो जाएगा। दूसरी जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने के लिए वो ये है कि आप बहुत सिमेट्रिकल तरीके से इसमें डिशवॉशर में लगाएं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होनी चाहिए प्लेट्स। बिल्कुल खुली खुली तरीके से आप इसके पैनल्स में एरिया में रखेंगे। अब हम इस बॉक्स में स्पून्स अरेंज करते हैं। ये बॉक्स स्पून्स अरेंज करने के लिए, अब हमारे पास में यहाँ पे स्पेस है तो मैं बाउल्स को वो कर दूंगी, बट मेक श्योर कीजिए कि बाउल्स को उल्टा ही रखना है। अगर आप सीधा रखेंगे तो जो डिशवॉशर धुलता है तब उसमें से सारी की सारी गंदगी, अगर आपने इस तरीके से रखा तो सारी गंदगी इस बाउल में डिपॉजिट हो जाएगी। तो आपको सारी की सारी जो जितनी भी यूटेंसिल्स है वो उल्टा करके रखने हैं। अब इस ड्रॉर को हम बंद कर देंगे, रैक को। अब सेकेंड वाली रैक पर आएंगे एंड अब यहां पर हम चीजें अरेंज करते हैं। यहां पर मैं बाउल्स को अरेंज कर दूंगी। एंड इस तरीके से जो बड़े बड़े चम्मच होते हैं या चमचे होते हैं आप इनको इस तरीके से ऐसे इसके ऊपर भी रख सकते हैं। ये मेरे पास में इस तरीके से लंबे ग्लासेस हैं जिनके जो बेस है वो लंबा है। अब उनको मैं अरेंज करती हूँ, उनको मैं इस तरीके से अरेंज करूंगी। यहाँ पर ये जो कॉलम्स देके रखे हैं ये इन्हीं ग्लासेस के लिए, जिससे कि हम इनको सपोर्ट दे सकें एंड पूरी अच्छी तरीके से हमारे ग्लासेस धुल जाएं एंड वर्टिकल तरीके से ये लगे हुए हैं। तो मैं सारे ग्लासेस को अरेंज कर दूंगी। आप कप्स भी रख सकते हैं, मैं कप्स भी इस तरीके से पलट के ऐसे रख दूंगी। मैंने एक चम्मच मैंने ऐसे पलट के रख दिए। तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही नीटली एंड बहुत अच्छी तरीके से मैंने अपनी सारे यूटेंसिल्स अरेंज कर दिए। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। अभी इस तरीके से मैंने सारी चीजों को अरेंज कर दिया। अब डिशवॉशर में धोने के अभी दो पैनल्स हैं। ये देखिए जहां पर हमारे तीन जो अलग अलग सॉल्ट, डिटर्जेंट एंड लिक्विड था वो डाला जाएगा, मैं इसको नहीं यूज कर रही हूं। यहां पर मैं इस चीज को यूज कर रही हूं, ये बार रखने का आपका पैनल है। तो मैंने फिनिश की बार ली है, इसको मैं इस तरीके से इनपुट करूंगी यहां से, इस तरीके से ऐसे इसको हम बंद कर देंगे। एंड अब हम डिशवॉशर का सारा लोड हो चुका है अच्छी तरीके से। प्रॉपरली लोड होना बहुत जरूरी है डिशवॉशर का एंड अब मैंने इसके जो डोर है इसको लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद में अब आप यहाँ पर पैनल पे देख सकते हैं पावर पॉइंट है, मैंने पावर पॉइंट को ऑन किया या आप पावर पॉइंट देख सकते हैं ऑन हो गया। अब इसके अलग अलग फीचर्स हैं। अभी इस समय मेरे बर्तन बहुत ज्यादा गंदे हैं तो मैं इसको डालूंगी इको मोड पे। मैंने इको मोड पे डाला। अब आप ये देख सकते हैं मेरी दोनों तरीके से लोड है, तो अपर और लोअर रैक्स का इंडिकेशन दिखा रहा है कि यहां पर मेरे दोनों लोड है एंड मैंने सॉल्ट भी डाल दिया है एंड इसके सारे डिटर्जेंट्स भी डाल दिए, ये इस चीज का इंडिकेशन है। एंड यहां पर आप टाइमिंग देख सकते हैं कि ये 2 घंटे 55 मिनट में मेरे जो पूरे यूटेंसिल्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर देगा, वॉश कर देगा, ड्राई भी कर देगा। डिशवॉशर के आप इस तरीके से इंडिकेशन देख सकते हैं, वॉश पे अभी लाइट हो रही है तो ये वॉश हो रहा है, धीरे धीरे करके बाकी सारे इंडिकेशन पे क्लीन कर देगा, ड्राई कर देगा, उसको क्लीन कर देगा एंड हमारे यूटेंसिल्स बिल्कुल साफ हो जाएंगे। एंड आपको ये यहाँ पर टाइमिंग्स भी दिखा देगा कि कितना टाइमिंग रिमेनिंग है। सी आप देख सकते हैं कि डिशवॉशर में सारी की सारी जितनी भी यूटेंसिल्स हमने डाली थी वो बहुत क्लीन हो चुकी हैं। एंड आप ये भी देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लीन हो गई है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन हो गई है प्लेट्स। एंड मैं आपको कटोरी भी दिखा देती हूँ, ये लीजिए, ये बाउल्स भी जो है वो भी क्लीन हो चुके हैं एंड बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, बहुत ही साफ तरीके से इस डिशवॉशर में क्लीन हो गए हैं। ये आप ग्लासेस भी देख सकते हैं बिल्कुल नए जैसे लग रहे हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें।